नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन। और आज की जो क्लास है इसको प्रारंभ करते हैं और आज अपन एक अगली यूनिट और इम्पोर्टेंट यूनिट के रूप में पढ़ने वाले हैं जो कि फायर फाइटिंग में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और उपयोगी उपकरण है, उसके विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आज का जो अपना बिंदु है, यूनिट है, वो है पंप और पंप ऑपरेशन। तो हेडिंग लगाइए, पंप और पंप ऑपरेशन। ठीक है, पंप और पंप ऑपरेशन, पंप एंड पंप ऑपरेशन। ठीक है, हेडिंग लगाइए यूनिट। यूनिट अपनी पंप एंड पंप ऑपरेशन। पंप एंड पंप ऑपरेशन की बात करते हैं, पंप और पंप ऑपरेशन। पंप ऑपरेशन इस बिंदु की हम चर्चा करेंगे, इस यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। अच्छी यूनिट है, महत्वपूर्ण यूनिट है, आराम से पढ़ेंगे इस यूनिट को, क्योंकि इस यूनिट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं और बहुत ज्यादा भी पूछे जाएंगे और चीजें याद भी रहनी चाहिए, इसलिए बहुत ही आराम से तसल्ली पूर्वक करेंगे। क्योंकि कुछ यूनिट ऐसे हैं जिनमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं, आप आराम से एक दो बार भी उनको रीड कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, प्रश्न जो है सही लगभग सही कर दोगे। लेकिन ये यूनिट जो है ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण है अन्य की तुलना में, इसलिए अपन जो है वो इसको बड़े ही आराम से धीरे धीरे याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए पंप और पंप ऑपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि पंप का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, पंप का अर्थ तरल पदार्थ, जैसे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दबाव से यानी कि प्रेशर के साथ ले जाने के लिए, ठीक है, या नीचे के स्थान से किसी ऊंचाई वाले स्थान पर इस द्रव पदार्थ को पहुंचाने के लिए जिन यंत्रकों का प्रयोग किया जाता है, जिन उपकरणों का हम उपयोग करते हैं, वो ही पंप कहलाते हैं। कुल मिलाकर यह हो गया कि पंप किसी बाहरी ताकत के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, जैसे पंप इलेक्ट्रिक है तो बिजली से वो पंप घूमेगा, तो पंप क्या करेगा, द्रव पदार्थ को नीचे से ऊंचाई पर अधिक प्रेशर के साथ यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक द्रव पदार्थों को अत्यधिक दाब के साथ, अत्यधिक प्रेशर के साथ पहुंचाने वाला जो उपकरण है वही उपकरण क्या कहलाता है, पंप कहलाता है। अब पीयूएमपी पंप, इसमें हम मीनिंग को समझ सकते हैं, पी से पंप, इसमें जो यू है उसका मतलब है अंडर, एम जो है उसका मतलब है दोस्तों मैकेनिकल, और पी का मतलब है प्रेशर। तो पंप अंडर मैकेनिकल प्रेशर, ये इसका आप पूर्ण रूप पंप का आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले पंप क्या है इसके बारे में लिखेंगे, तो लिखिए एरो लगाकर लिखेंगे, किसी द्रव पदार्थ को, किसी द्रव पदार्थ को, किसी द्रव पदार्थ को, अब द्रव पदार्थ कौन, जैसे, तो जैसे में जल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सभी पर मुख्यतः हम जल की बात करते हैं क्योंकि हम अग्निशमन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले अपन जल को लिखेंगे। ठीक है, तो किसी द्रव पदार्थ को नीचे से, नीचे से ऊंचाई तक, नीचे से ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए या नीचे से ऊंचाई तक प्रेशर के साथ, दबाव के साथ, प्रेशर के साथ पहुंचाने के लिए, प्रेशर के साथ पहुंचाने के लिए, प्रेशर के साथ पहुंचाने के लिए जिस उपकरण या यंत्र का, जिस उपकरण या यंत्र का, जिस उपकरण या यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिस उपकरण या यंत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वही पंप कहलाता है। वही क्या कहलाता है, पंप, वही पंप कहलाता है।
यानी हम ये भी कह सकते हैं कि द्रव पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अधिक दाब के साथ पहुंचाने के लिए जिस मशीन का उपयोग करते हैं, जिस मैकेनिकल डिवाइस का उपयोग करते हैं, जिस उपकरण का उपयोग करते हैं, जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पंप। और पंप जो है दोस्तों, इसका अर्थ यदि हम देखें तो पी यू एम पी, पी से मतलब है पंप, पी से मतलब है पंप, यू से मतलब है दोस्तों अंडर, अंडर, ठीक है, एम से मतलब है मैकेनिकल, मैकेनिकल, और पी से मतलब है प्रेशर, प्रेशर, पी से क्या मतलब है, प्रेशर, ठीक है। तो पंप अंडर मैकेनिकल प्रेशर, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है पंप का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करें कि पंप का प्रचलन कैसे आया, सबसे पहले कौन सा पंप आया, इस विषय में अगर हम चर्चा करें यहां पर तो बता दूं आपको कि सबसे पहले दोस्तों मानव संचालित पंप आया था, ठीक है। तो पंप दो प्रकार से हो सकते हैं, मैंने भी कहा कि बाहरी जो ताकत होती है, इस बाहरी ताकत से जो है पंप कार्य करते हैं, और इस बाहरी ताकत के रूप में दो तरीके की चीजें यहां पर हो सकती हैं, उनमें कौन कौन शामिल है, उनमें या तो पंप मनुष्य के द्वारा चलाया जा सकता है, और या फिर पंप जो है किसी इंजन के द्वारा संचालित किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि पंप जो है वो किसी बाहरी ताकत के द्वारा, बाहरी बल के द्वारा चलाया जाता है। सबसे पहले जो पंप थे वो मानव संचालित पंप थे, पहले इंजन नहीं था, इसलिए पंप को मनुष्य के द्वारा चलाया जाता था। तो पहले में, यानी कि प्राचीन समय की बात करें या सबसे पहले की बात करें, एंशिएंट की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले मानव संचालित यानी मानव के द्वारा चलाए जाने वाले जो पंप थे उनका उपयोग किया जाता था दोस्तों, जिसे हैंड और स्ट्रिप पंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि वो हाथ से चलाए जाते थे, इसलिए उनको हैंड पंप या फिर उनको स्ट्रिप पंप भी उनको कहा जाता है। जैसे जैसे समय बदलता गया, नई टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे वैसे अलग प्रकार के पंपों का क्या होता गया, आविष्कार होता चला गया। जैसे कि यांत्रिक पंप आ गया, मैकेनिकल पंप आ गए, ठीक है, जो किसी यंत्र के द्वारा चलाए जाने वाले पंप थे। यांत्रिक पंप मतलब ऐसे पंप जो किसी यंत्र के द्वारा चलाए जाते हैं, किसी यंत्र के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जैसे इंजन के द्वारा चलाए जाने वाले पंप हो गए, ठीक है। तो समय बदलने के साथ साथ यांत्रिक पंपों का क्या हो गया, चलन हो गया। अब हम चूंकि अग्निशमन की बात कर रहे हैं, तो आजकल अग्निशमन सेवा जो है इसमें एक विशेष प्रकार का जो पंप है उसका उपयोग किया जा रहा है, और जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्रश्न आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन पंप कौन से हैं, तो मानव संचालित पंप है। उनके बाद में पंप समय के साथ साथ कौन से पंपों का आविष्कार हुआ, वो हुआ यांत्रिक पंपों का आविष्कार। वर्तमान समय में अग्निशमन के अंदर, फायर फाइटिंग के अंदर जो पंप उपयोग में लिए जा रहे हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, इनका अगर हम बात करें कि ये कब आए, उद्भव कब हुआ उनका, तो सबसे आधुनिक प्रकार के जो पंप हैं वो यही है, ठीक है। तो कुछ बातें अपन यहां पर नोट करेंगे साथ के साथ, तो लिखिए फैक्ट के रूप में या फैक्ट लगा के लिखेंगे। फैक्ट में पहली बात लिखिए, फैक्ट में पहली बात लिखेंगे, सबसे प्राचीन या सबसे पहले, या सबसे पहले उपयोग लिए जाने वाले या उपयोग किए गए, उपयोग में लिए जाने वाले, सबसे पहले उपयोग में लिए जाने वाले पंप, सबसे प्राचीन या सबसे पहले उपयोग में लिए जाने वाले पंप मानव संचालित पंप, मानव संचालित, मानव संचालित पंप थे, मानव संचालित पंप थे। ये जो मानव संचालित पंप थे दोस्तों, इनको क्या कहते थे, हैंड पंप या स्ट्रिप पंप भी इनको कहा जाता था। तो लिखिए मानव संचालित पंपों को, मानव संचालित पंपों को
हैंड पंप हाथ से उपयोग लिए जाते थे, हाथ से चलाए जाते थे, इसलिए हैंड पंप या स्ट्रिप पंप या स्ट्रिप पंप, ठीक है, मानव संचालित पंपों को हैंड पंप या फिर कौन से स्ट्रिप पंप कहते हैं, स्ट्रिप पंप कहते हैं। तीसरी बात लिखेंगे, समय के साथ साथ यांत्रिक पंपों का उद्भव हुआ। समय के साथ साथ यांत्रिक पंपों का उद्भव हुआ जो किसी यंत्र द्वारा, जो किसी यंत्र या मशीन द्वारा, यंत्र या मशीन कौन, जैसे इंजन जो किसी यंत्र या मशीन द्वारा संचालित होते हैं। कौन से पंप हो गए, ये पंप हो गए यांत्रिक पंप, कौन से हो गए मैकेनिकल पंप हो गए। और वर्तमान में आपको पूछे कि अग्निशमन में कौन से पंप उपयोग किए जा रहे हैं, तो वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो एक और फैक्ट लिखेंगे, आजकल अग्निशमन सेवा में सेंट्रीफ्यूगल पंपों का उपयोग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंपों का उपयोग किया जाता है, आजकल अग्निशमन सेवा में क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है दोस्तों। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन से होते हैं, आगे सारे के सारे अपन पढ़ेंगे, तीन प्रकार के पंप है, फिर उन तीनों प्रकार के पंपों के अलग अलग प्रकार हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले इतना लिखिए, ये महत्वपूर्ण है, नोट कीजिए इतना। ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, केंद्रगामी जो पंप है दोस्तों, अगर इनके आविष्कार की बात करें तो 1851 में सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उनका आगमन हुआ। इसे अलावा आपको पूछे, एक होते हैं रोटरी पंप, कौन से होते हैं रोटरी पंप होते हैं, और रोटरी पंपों की इजाद आपसे पूछे कि रोटरी पंपों की इजाद कब हुई, तो 1785 में हुई। अगर ऐसे प्रश्न आपको पूछे तो हम जवाब दे सकते हैं। यहां पर अगला हम फैक्ट नोट करेंगे, नंबर 5, देखो रोटरी पंपों का आगमन, इजाद या उद्भव। ये जो रोटरी पंप है इनका आगमन हो गया था 1785 में, घुमाने वाले जो आगे अपन डायग्राम के साथ देखेंगे, आगमन 1785 में हुआ। कब हुआ, 1785 में हुआ। और इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंपों की बात करें तो 1851 में दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर केंद्रगामी पंप भी इनको कह सकते हैं, इनका आगमन हुआ। तो लिखो 1851 में, 1851 में लिखो सेंट्रीफ्यूगल पंपों का आगमन 1851 में हुआ। सेंट्रीफ्यूगल पंपों का आगमन कब हुआ, 1851 के अंदर हुआ। और 1829 में हम बात करें तो 1829 में स्टीम फायर इंजन का आगमन हुआ था। तो स्टीम फायर इंजन आपसे पूछे तो स्टीम फायर इंजन का इजाद 1829 में, लिखो स्टीम फायर इंजन का आगमन 1829 में हुआ।
अगर ऐसे डाटा वाला प्रश्न आपसे पूछे तो पूछ सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना हिस्ट्री के रूप में तो ये अपने को ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि अग्निशमन सेवा में आग को बुझाने के लिए हमें पानी जो है वो अधिक मात्रा में और अधिक प्रेशर के साथ चाहिए, ताकि हम दूर खड़े होकर आग तक या अग्नि स्थल तक या फायर ग्राउंड तक हम पानी को भेज सके। और जो अधिक प्रेशर के साथ जो पानी चाहिए, तो पानी को ये वेलोसिटी या वेग या प्रेशर जो हम प्रदान करते हैं वो हम किससे प्रदान करते हैं, वो हम पंपों की सहायता से प्रदान करते हैं। तो एक पंप एक ऐसी मशीनरी है जो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए और ज्यादा प्रेशर से ले जाने के लिए उपयोग में ली जाती है। ये बात मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, ओके। सेंट्रीफ्यूगल पंप, हम बात करें कि आजकल अग्निशमन सेवा में सेंट्रीफ्यूगल पंपों का उपयोग किया जा रहा है। सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंपों से पानी को नीचे के स्थान से यानी कि गहराई से ऊंचाई तक उठाने में आसानी से इनका यूज किया जाता है। यानी कि अगर पानी बहुत ज्यादा गहराई में और उसको उठा के हमें ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें कौन से पंप उपयोग में लेने होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप उपयोग में लेने होते हैं। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उनकी खास बात क्या है, तो उनकी खास बात यही है कि अधिक गहराई से पानी को उठाकर और ऊंचाई तक वो पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब जो पंप होते हैं उन पंपों में क्या क्या गुण होने चाहिए, उन गुणों की हम बात करते हैं कि एक अच्छे पंप के क्या करेक्टर होने चाहिए। हेडिंग लगाइए पंप के गुण या पंपों के गुण, करेक्टरिस्टिक ऑफ पंप। तो पंपों के गुणों की बात करें, पंपों के जो गुण हैं इनकी हम बात करें, तो एक गुण तो पंप में क्या होना चाहिए, देखिए पंप में एक गुण तो होना चाहिए दोस्तों कि पंप भरोसेमंद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बीच में साथ छोड़ दे और अग्निशमन सेवा के दौरान वो बीच में जल जाए, बंद हो जाए और हमारा कार्य अधूरा रह जाए, ठीक है, हम अग्निशमन कर ही नहीं पाए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो पंप क्या होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। तो पहला लिखिए पंप भरोसेमंद होना चाहिए, पंप भरोसेमंद होना चाहिए, पंप क्या होना चाहिए दोस्तों, भरोसेमंद होना चाहिए। दूसरा, पंप हल्का होना चाहिए। हल्के का मतलब हो गया कि वजन में कम होना चाहिए, और वजन में कम होगा तो उसे आसानी से हम उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। क्योंकि जब भी अग्निशमन के लिए हम जाएंगे तो अलग अलग स्थानों पर अग्निकांड होते हैं, वहां पर हमें आग को बुझाने के लिए जाना पड़ेगा, तो वहां पर हमें पंप भी लेकर जाना पड़ेगा, और हल्का होगा तो उसको उठा पटक करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो अगला गुण लिखिए, पंप वजन में हल्के होने चाहिए, पंप वजन में हल्के होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, पंप वजन में हल्के होने चाहिए, जिससे आसानी से उसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, ठीक है। तो वजन में हल्का होना चाहिए, यह भी पंपों का गुण होता है। एक और गुण की अब बात करें तो वो गुण होना चाहिए कि अधिक मात्रा में पानी फेंकने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अधिक मात्रा में पानी फेंकेगा तो अग्निशमन ज्यादा जल्दी और प्रभावी तरीके से हम कर सकते हैं। तो तीसरा गुण लिखो, अधिक मात्रा में यानी कि कम समय में ज्यादा पानी, अधिक मात्रा में क्या होना चाहिए, जल फेंकने की क्षमता होनी चाहिए। तो अधिक मात्रा में जल या पानी फेंकने की, अधिक मात्रा में पानी फेंकने की क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, अधिक मात्रा में पानी फेंकने की क्षमता होनी चाहिए, और अधिक प्रेशर से पानी देने की क्षमता होनी चाहिए। ज्यादा मात्रा भी और प्रेशर भी अधिक होना चाहिए, यानी यहां पर लिख देता हूं मैं नंबर चार, अधिक प्रेशर से पानी फेंकने वाला होना चाहिए,
अधिक प्रेशर से पानी फेंकने वाला, प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा डिस्टेंस तक हम क्या कर सकते हैं, पानी को जो है वो फायर ग्राउंड तक भेज सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा, हो गया, फटाफट से नोट करें। इतना नोट कीजिए ताकि हम आगे बढ़े। अब बात करते हैं पंपों के प्रकार की। किसकी बात करते हैं, पंप जो है दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकारों की अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पंपों के इतिहास के बारे में बात की, पंप क्या होता है इसके बारे में बात की, इसके गुणों के बारे में हमने चर्चा कर ली, और अब हम पंप के प्रकारों की बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए दोस्तों, पंप के प्रकार या पंपों के प्रकार, पंपों के प्रकार, पंपों के प्रकार की बात करें तो पंप निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, एक प्रकार तो है दोस्तों पॉजिटिव, एक तो प्रकार है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एक प्रकार तो ये हो गया। एक हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप, कौन से, सेंट्रीफ्यूगल, और एक होता है इजेक्टर पंप। दूसरा लिखो सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक होता है इजेक्टर, एक होता है इजेक्टर पंप। तीन प्रकार के पंप होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और इजेक्टर पंप। अब इन तीनों के विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन वन बाई वन चर्चा करेंगे, ठीक है। तीनों के नाम लिख लो, फिर एक एक करके हम इन तीनों के बारे में डिटेल से विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होते हैं और इनके प्रकार कितने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की। तो हेडिंग लगाइए पहला, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तीन प्रकार के पंपों में पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की चर्चा करते हैं कि ये क्या है। दोस्तों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो पंप है ये प्लंजर या रोटरी की गति से, प्लंजर या रोटरी की गति से हवा और तरल पदार्थ को हटाकर पानी को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसे सुनिए बात को कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है ये प्लंजर को या रोटरी की गति से, प्लंजर है या जो घुमाने वाली फिरकी जैसी है रोटरी, उस रोटरी की गति जो है उसकी गति से हवा और जो पानी है तरल पदार्थ है इसको हटाकर पानी को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी हवा को हटा देता है और पानी को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, गति करने वाले जो हिस्से या पुर्जे केसिंग जो है वो घूमने वाली, उसके साथ वायु रुद्ध एवं जल रुद्ध जोड़ बनाते हैं, जिसकी मदद से पंप के जो पंप होता है उसकी केसिंग और सक्शन की जो हवा है वो बाहर निकलकर वायुमंडल में दबाव से पानी जो है उसको पंप तक ऊपर धकेलता है। इसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अब ये तो हो गई एक तरह से वैज्ञानिक परिभाषा। सीधा सीधा इस बात को ऐसे समझो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ऐसे होते हैं जो जल को, तरल को या पानी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी जो पानी को अधिक दाब के साथ जो है आगे की ओर धकेलते हैं वही कहलाते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो सीधा सीधा लिखो, ऐसे पंप जो
पानी को, जो पानी को अधिक दाब के साथ, अधिक दाब के साथ आगे की ओर धकेलते हैं, अधिक दाब के साथ क्या करते हैं, आगे की ओर धकेलते हैं। अब आपको सर सारे पंप पानी को आगे की ओर धकेलते हैं, फिर ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अलग से कैसे हुआ, तो इसका थोड़ा तो कुछ डिफरेंट होगा। तो उसमें हम ये कहेंगे कि हवा और तरल जो है इनको हटाकर पानी को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी इसके अंदर जो मामला है वो वायुरुद्ध और जलरुद्ध जोड़ का है। तो हम सीधा कहेंगे ऐसे पंप जो पानी को अधिक दाब के साथ आगे की ओर धकेलते हैं, ठीक है, जिनमें वायुरुद्ध व जलरुद्ध, जिनमें वायुरुद्ध व जलरुद्ध जोड़ बनते हैं, जलरुद्ध जोड़ बनते हैं, ऐसे पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाते हैं, ऐसे पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाते हैं। और ये जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं ये होते हैं पांच प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। तो लिखो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है, लिखे। ये पंप कौन से? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये पंप निम्न पांच प्रकार के होते हैं, निम्न पांच प्रकार के होते हैं, यानी सामान्यतः पंप कितने प्रकार के? तीन प्रकार में पहला प्रकार क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, और दूसरा था सेंट्रीफ्यूगल पंप, तीसरा था इजेक्टर पंप। तो जो पहला प्रकार है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ये पंप भी कितने प्रकार के होते हैं? ये पंप भी पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये पंप पांच प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब ये पांच प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनका नामकरण करेंगे, नाम जानेंगे कौन कौन से पंप है, और फिर एक के बाद एक के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में पहला प्रकार फोर्स पंप, नाम लिखिए पहले तो इनके। नंबर एक फोर्स पंप। दूसरा जो प्रकार है वो प्रकार है दोस्तों लिफ्ट पंप। कौन सा है? लिफ्ट पंप कौन सा है? लिफ्ट पंप है, ठीक है। तीसरा प्रकार है वो कौन सा है? सेमी रोटरी पंप। तो नंबर तीन लिखेंगे सेमी रोटरी पंप। चौथा जो प्रकार है दोस्तों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का वो है बकेट एंड प्लंजर पंप। और एक है दोस्तों रोटरी पंप, वो एक सेमी रोटरी था और ये है रोटरी पंप। कौन सा है? रोटरी पंप। कौन सा हो गया? रोटरी पंप हो गया, ठीक है, ओके। ये पांच प्रकार के पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस यूनिट को बहुत आराम से स्लो एंड स्लो पढ़ेंगे। आप लोगों के पास तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए और बहुत सारी क्लास अब से पहले हो चुकी है, उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये यूनिट मैं बहुत ही आराम से आपको करवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्योंकि अग्निशमन के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी उपकरण का उपयोग है, महत्वपूर्ण है, तो वो है पंप। अगर पंप नहीं होगा तो ना तो आप पानी को किसी जल स्रोत से खींचकर पंप में ला सकते हैं, और ना अग्निशमन की गाड़ी से उसको फायर ग्राउंड तक पहुंचा सकते हैं। तो पंप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आराम से, यानी कि मैं क्लास में ही आपको याद करवाता हुआ चलूंगा, चाहे मुझे इसको रिपीट करना पड़े, ठीक है। तो देखिए अभी अपन ने जो बात की, सबसे पहले वो अपन ने बात की, रिपीट करते हैं किसकी,
पंप एंड पंप ऑपरेशन की, पंप और पंप किस तरह से कार्य करते हैं, इस बारे में हमने चर्चा की। हमने कहा कि कोई भी द्रव पदार्थ जो होता है जैसे कि जल, उसको किसी नीचाई से या गहराई से उठाकर ऊंचाई तक पहुंचाने वाला या एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेशर के साथ पहुंचाने वाला जो उपकरण है, यंत्र है, मशीन है, वही क्या कहलाती है, पंप कहलाती है। ये जो पंप होता है दोस्तों, इसमें इसका फुल फॉर्म देखें तो P से पंप, U से अंडर, M से मैकेनिकल और P से प्रेशर। तो पंप अंडर मैकेनिकल प्रेशर, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ पंप। ओके, इसके बाद हमने जो चर्चा की वो हमने चर्चा की कुछ फैक्ट के बारे में, हमने पंप की हिस्ट्री या इतिहास के बारे में हमने कुछ यहां पर चर्चाएं की है, जिसमें पहली बात हमने देखी कि सबसे प्राचीन या सबसे पहले उपयोग में लिए जाने वाले या यूं कहें कि सबसे एंशियंट प्रकार के जो पंप है वो कौन से थे। वो पंप वो थे जो मनुष्य के द्वारा या मानव के द्वारा संचालित थे, मानव के द्वारा चलाए जाते थे। मानव कैसे चलाएगा, हाथ से चलाएगा, इसलिए उन पंपों को मानव चालित और हाथ से चलाने के कारण हैंड पंप या स्ट्रिप पंप, उनमें स्ट्रिप लगी होती है इसलिए उनको स्ट्रिप पंप भी कहते हैं। देन अपन ने बात की कि समय के साथ साथ क्या हुआ दोस्तों, बदलाव आए, नई टेक्नोलॉजी आई और नई टेक्नोलॉजी के साथ इजाद हुआ यांत्रिक पंपों का। तो आगमन हो गया किसका, यांत्रिक पंपों का आगमन हो गया, ठीक है, जो किससे, जो किसी मशीन या यंत्र के द्वारा, जैसे इंजन आदि के द्वारा संचालित थे। पहले उसको मनुष्य चला रहा था, अब उसको इंजन चला रहा है, ठीक है। और आजकल अग्निशमन जो सेवा है दोस्तों, फायर फाइटिंग के दौरान हम जो पंप यूज में लेते हैं वो पंप है सेंट्रीफ्यूगल पंप। कौन से, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, केंद्रीय घूर्णन वाले पंप है। फिर हमने इतिहास में बात की कि रोटरी पंपों का आगमन 1785 में हुआ, सेंट्रीफ्यूगल पंपों का आगमन 1851 में हुआ और दोस्तों स्टीम फायर इंजन का आगमन पूछे तो वो 1829। तीन प्रकार के प्रश्न यहां पर हो गए। आपको रोटरी पंप पूछे तो आप कहेंगे 1785 में आया, आपसे सेंट्रीफ्यूगल पंप पूछे तो आप कहेंगे 1851 में आया, आपको स्टीम फायर इंजन पूछे तो आप कहेंगे 1829 में आया। क्लियर, ओके। पंप में क्या क्या गुण होने चाहिए, पंप भरोसेमंद होना चाहिए, वजन कम होना चाहिए इसलिए आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके, क्योंकि आग तो अलग अलग स्थान पर हमें बुझानी है। इसके अलावा पंप जो होता है उसमें अधिक मात्रा में पानी को फेंकने की क्षमता होनी चाहिए, और एक और गुण होना चाहिए कि वो पानी अधिक मात्रा में फेंके लेकिन प्रेशर के साथ फेंके, तो अधिक प्रेशर के साथ पानी फेंकने वाला होना चाहिए। देन अपन ने चर्चा की पंप के प्रकार, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और इजेक्टर पंप, तीन प्रकार के पंप हो गए। इसमें पहला जो प्रकार हमने देखा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ये ऐसे पंप होते हैं जो पानी को अधिक दाब के साथ आगे की ओर धकेलते हैं, लेकिन खास बात इनमें वायुरुद्ध और जलरुद्ध जोड़ बनते हैं, ठीक है। ऐसे पंप ही क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहलाते हैं। मित्रों पंप पांच प्रकार के, कौन से, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, कितने प्रकार के, पांच प्रकार के, और पांचों का नाम याद रखना है। एक तो फोर्स पंप, दूसरा है लिफ्ट पंप, तीसरा है सेमी रोटरी पंप, चौथा है बकेट एंड प्लंजर पंप और पांचवा है दोस्तों रोटरी पंप, ठीक है। अब अगले सेशन में हम वन बाय वन इन पंपों के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले फोर्स पंप के बारे में, फिर लिफ्ट पंप के बारे में, फिर सेमी रोटरी पंप के बारे में, फिर बकेट एंड प्लंजर पंप के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे रोटरी पंप के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।